हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष कर्मकार। आप देख रहे हैं आयुष 10:11। वेलकम टू माय चैनल। तो आप आज देख सकते हैं मेरे पास आ गया है मेन हथियार, जो कि मतलब पेंसिल कटिंग के लिए, मतलब जो ब्लैक पेपर्स या फिर नॉर्मल पेपर्स में जो यूज़ करते हैं, तो ये आ गया है मेरे पास। तो मैं अभी स्कल्पिंग भी करना शुरू कर दूंगा जितनी जल्दी हो सके। अगर मेरे को मटेरियल्स मिल जाते हैं स्कल्पिंग का, तो मैं स्कल्पिंग भी शुरू कर दूंगा। और मैं आज इस चीज़ को ट्राई आउट करने के लिए मैं आज एक सैम्पल पेपर लाया हूँ और कटिंग मैट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है। मैं एम करूँगा कि ज़्यादा बुरा ना बने, और रविंद्रनाथ टैगोर का मैं मतलब बनाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसे यूज़ करूँगा, और बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ टूल्स। एंड मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि मेरा मतलब ड्रीम कम ट्रू जैसा फील हो रहा है, क्योंकि मतलब ये सब चीज़ें मतलब बहुत प्रीमियम लगते हैं अपने हाथ में, लेकिन बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत शार्प है ये। आपको अगर मतलब पता चले तो मतलब ये देखिए बहुत शार्प है, और क्या बोलूँ मैं, आप बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, टेम्पलेट मैंने रेडी कर लिया है। अभी इसके बाद थोड़ा सा मतलब चीज़ें मतलब चाहे तो बदल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा सा मोटा कार्ड में किया है। तो इसको हम एज ए टेम्पलेट, इसको ऐसे बैठा के इसके ऊपर हम स्प्रे पेंट करके भी इसका मतलब स्टेंसिल का पार्ट निकालेंगे। तो जितने भी हमने मतलब स्पेसेस गैप्स बनाए हैं, वो सारे गैप्स यहाँ पे लग जाएंगे। तो उसका भी एक अच्छा सा टेक्सचर आता है। और एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मतलब हाई कॉन्ट्रास्ट, जैसे मैंने ब्लैक लिया है, तो इसका बैकग्राउंड अगर मैं वाइट रखता हूँ, तो आप खुद ही देखिए मतलब कितना कितना मतलब सूदिंग सा लगता है ये चीज़। इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं इस चार्ट पेपर से थोड़ा सा पीस काट के इसको एज अ फ्रेम मैं ऐसे लगा लूँ, तो फिर देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा सा ओवरहेड का व्यू दिखाता हूँ आपको, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको बाद में जाके मैं फ्रेम भी करा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। चलिए करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ये मैंने बहुत अनडिटेल वे में किया है, मैंने जस्ट मतलब यार मेरा क्या हो रहा है मेरे एक्सेंट को, मैं बहुत एंथुसियास्ट था इस यूटिलिटी बॉक्स को लेके। तो मैंने बस उसको एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए मैंने इसे बनाया है। तो प्लीज़ अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी का मतलब अच्छे से फेस नहीं आया है, तो फिर आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं जस्ट देखना चाहता था कितना शार्प और कितने अच्छे से ये हैंडल किया जा सकता है। तो अगर हैंडलिंग का बात करूँ, तो मैंने बस दो ही यूज़ किए इन दोनों में से, और इन दोनों में से मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनल वाला ये पतला वाला लगा। तो
ये बहुत हद तक वो डॉक्टर का जो मतलब फोर्स सेटिंग जो नाइफ रहता है वो वैसा लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे ऐसा दिखा कि मतलब जब मैं ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है, थोड़ा सा, वो नेग्लिजेबल है, लेकिन एज अ न्यू यूज़र ऑफ दिस काइंड ऑफ कटर्स मुझे आदत डालना पड़ेगा इस चीज़ को कैसे फिगर आउट करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दुनिया जहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो सब कर देना, और तब तक के लिए बाय।